दूसरा जो ट्रेंड पोस्टपोल डेटा में निकल के आ रहा है वो, ये ये था कि क्या जो मुस्लिम है, वो उद्धव ठाकरे की सेना को वोट देगा कि नहीं वो वोट पड़ रहा है साहिल नहीं। बात की वोट ट्रांसफरेबिलिटी उनकी तरफ तो वो ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि पहले शायद मुस्लिम कैंडिडेट दे ना दे उद्धव ठाकरे की सेना को वो ट्रांसफर हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं ये हम लोगों को पता था देखिए जब से उद्धव जी एन सी पी इन्हें शरद पवार वाली और कांग्रेस के साथ गए तो उन्होंने सूडो पॉलिसी अपना ली है और अपीजमेंट की पॉलिसी भी उन्होंने शुरू कर दी है और मतलब पहले जिस प्रकार से बाड़ा साहब ठाकरे के जमाने में होता था अब तो अल्लाह अकबर के नारे भी उनके पार्टी के लोग लगा रहे हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे भी उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं तो जिस जिस प्रकार से भी अपीजमेंट कर सकते हो कर रहे हैं तो ये हम लोगों को पता ही था कि उनके साथ मुस्लिम वोटर जो है वो बड़े पैमाने पर जाएगा वो जा रहा है लेकिन बावजूद उसके इलेक्शन पर उसका बहुत असर होगा ऐसा नहीं नहीं लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना सर कि आप जैसे बीजेपी 28 सीटें लड़ रही है उसमें से कम से कम चार से पांच सीटें आपको उद्धव ठाकरे के सामने लड़नी पड़ रही है दो सीटें आपको एनसीपी के सामने लड़नी पड़ रही है अब दिक्कत यह है कि ये दोनों वोटर जो आपके खिलाफ वोटर है खास करके एनसीपी का वोटर जो आइडियोलॉजीकली आपसे अल, अलाइन नहीं है अब वो वोटर के वोट आपके पास खींचना ये आपके लिए कितना दिक्कत है और इसी के वजह से आप

आज अजीत दादा के साथ हमारे साथ आए और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी वोट ट्रांसफर करने की अपनी कैपेसिटी है मैं नहीं कहता हंड्रेड परसेंट कर पाएंगे आपको लगता है अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का वोट है महाराष्ट्र में रहेगा क्यों नहीं रहेगा भाई देखिए कोई भी अगर पार्टी एक प्रकार से स्प्लिट होती है तो जो ओरिजिनल लोग उसमें बचे हैं जो नए लोग उसमें आए हैं ऐसे सब मिलाकर कोई ना कोई वोट तो उनका रहता ही है तो वोट तो मैं ऐसा थोड़ी कह कहूंगा कि शिंदे जी के साथ 100% परसेंट शिवसेना का वोट आ गया या अजीत दारा के साथ 100% परसेंट उनके पास वोट है मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ ज्यादा वोट मेजोरिटी वोट ये शिंदे जी शिवसेना का लाय है वो एनसीपी का लाय है और शिंदे जी का तो पूरा वोट हमको ट्रांसफर हो जाएगा एनसीपी का भी जो उनके साथ आया हुआ वोटर है वो काफी बड़े पैमाने पर हमको ट्रांसफर होगा